ब्रेक ब्रेक मिलोगी ब्रेक। इस कमरे में जाओ। बिस्तर है? हाँ बिस्तर है, अपने कमरे में जाओ। मुझे उस कमरे में बहुत डर लग रहा है जी। डर लग रहा है? भूत प्रेत की आवाजें आ रही हैं। भूत प्रेत क्या बिगाड़ लेंगे आपका? भूत प्रेत तो आपको देखे जा चुके होंगे कब के। नहीं, मुझे सचमुच बहुत डर लगता है, अकेले सोने की आदत नहीं है ना, इसलिए मैं। तो पापा के कमरे में जाकर सो जाओ। अरे गई थी, वो खराटे मारते हैं, मुझे और डर लगता है। डर लगता है? हाँ जी। रात को तंग कर रही है, तो सो जाओ सो जाओ सो जाओ। थैंक यू जी, थैंक यू। और देखो कोई छेड़छाड़ नहीं करना मेरे साथ। शरारत? मैं? जी जी मैं नहीं करूंगी। आप भी कोई शरारत नहीं करना। मैं शरारत? हे भगवान, कलयुग आ गया, मुझे कह रही है शरारत नहीं करना। भगवान, हनुमान जी के गुर्ज खाने हैं मुझे। बाबा को सुबह उठते ही कहूंगा इसका पार्सल कर दो यहां से। अरे ये कंकर कहां से आया? कुछ गड़बड़ है। जी नींद नींद नहीं आ रही? नींद नींद आ रही है? क्या है कि ऐसे ही एक्सीडेंट होते हैं ना। एक्सीडेंट? अब रात को अच्छी तरह सो नहीं सकूंगा, कल ट्रक कैसे चलेगा? जबकि लगी तो ट्रक तो उतरे ही उतरे सड़क से। इसमें मेरा कसूर क्या है जी? नहीं कसूर? हाँ। कसूर पहले आपका था, अब लगता है मेरा है। आपका? आप सोचिए। हाँ, मैं सोच जाती हूं। सोचिए आप, आप सोचिए आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं सोचूंगा, आप सोचिए। अब जो होना था हो गया, गला खुश हो रहा है मेरा, आपको क्या है? आप भी सो जाइए। हाँ सो, बहुत रात हो गई। आप अभी तक सोई नहीं? मेरी गर्दन में बल पड़ गया जी। आप ठीक है ना? हाँ। ये साले माफ करना, ये आंखें बंद नहीं हो रही है, लगता है मुझे मलेरिया हो गया है। इतने हैंडसम हो, जवान हो, फिर भी कुंवारी। आए हाय। 997, 998, 999,000। प्रभु इतना दंड बहुत है, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। पता नहीं कैसे मेरे मन की बुद्धि के ब्रेक ब्रेक फेल हो गए और मेरा दिल मिसिंग करने लगा और मेरी गर्दन का स्टेरिंग उसकी तरफ घूम गया। मैं प्रभु, ये पीला पीला क्या है? ये देखो प्रभु, ये फिर मेरी तपस्या भंग करने चली आई है। प्रभु देखो, तुम सीधी तरह यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं पासे सेक दूंगा। पासे सेक दूंगा मतलब क्या है? पासे सेक दूंगा मतलब लुधियाने वाले जानते हैं। लुधियाने वाले जानते हैं? देखो मैंने अभी अभी आपसे वादा किया है कि मैं अपना
मन कभी उधर नहीं भटकने दूंगा, लेकिन ये लड़की मेरे ट्रक के आगे मुंह वाला छिड़क कर मेरा ट्रक स्किड करना चाहती है। ये चाहती है मैं किस तरह स्किड होके इसकी तरफ लुढ़क जाऊं। प्रभु मुझे प्रभु, तू भी ये रासलीला खेलती हुई अच्छी लग रही है तुझे? लगता है देखो तुम यहाँ नहीं आ सकती। आप भी तो आए हैं। मैं मर्द हूँ। अच्छा हा? अच्छा, इसका मतलब लुधियाने वाले जानते हैं। देखो प्रभु, ये मेरे ही दाव पे मेरे पे खेल रही है, इसको मारे गुरज, इसको भेज दे कहीं दूर। लगता है तेरी भी इसमें कुछ चाल है। ठीक है, मैं बाबा को बुलाता हूँ। बाबा बाबा बाबा, क्या है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? बाबा हाँ? इस लड़की ने मुझे बम्बल भूसे में डाल दिया है। बम्बल भूसा, ये क्या होता है? ये लुधियाने वाले जानते हैं। देखो बाबा, इसने मेरा सारा प्रोग्राम उल्टा सुलटा कर दिया है। रात को मैं आराम से सोता था, सुबह जल्दी उठता था, दंड बैठक मारता था, स्नान करता था, फिर मैं हनुमान जी की पूजा करता था। अब न मैं रात को सो सका, न सुबह उठ के अच्छी तरह कसरत कर सका, न स्नान हुआ, न पूजा हुई। इसको यहाँ से निकाल दो बाबा। यहाँ से क्यों, इस घर से निकाल दो। नहीं बाबा, मैं कहाँ जाऊँ, कौन है मेरा? मैं कहाँ जाऊंगी? देखिए एक्टिंग बजाती माला। बेटे रो मत, मैं देखता हूँ तुझे कौन इस घर से निकालता है। देख पर खुदा, अगर तूने इसको घर से निकालने की दोबारा बात की ना, तो बखुदा मैं भी ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। बाबा, खुदा की कसम खाने की क्या जरूरत है? अब इसमें आप छोड़ के क्यों जाते हैं? और नहीं तो क्या करूं? इसे रख लीजिए आप यहाँ, आप मत जाइए। और हाँ, अगर इसे यहाँ रखना है तो मेरी तीन शर्तें हैं। हाँ बोल। एक तो ये मंदिर में नहीं आएगी। चलेगा। और दूसरी, डायलॉगबाजी नहीं करेगी। चलेगा। और तीसरी, ऐसी ड्रेस नहीं पहनेगी। चलेगा, मगर आप भी इस तरह का छोटा छोटा पतलून नहीं पहनेंगे। छोटा पतलून? अरे वो बेटे ठीक ही तो कह रही है, पहले तू लंगोट पहन के दंड बैठक किया करता था, और अब ये टी शर्ट फी शर्ट ये आदि पतलून है, ये सब किसको रिझाना चाह रहा है? बाबा, किसी को रिझाना बजाना मैंने क्या है? आज क्या मैंने सुबह वो मुन्ने की अलमारी खोली, वहाँ पड़ी थी ऐसी कुछ पैंटे टी शर्टें, मैंने कहा मैं टी शर्ट पैंट पहन के कसरत करूंगा, और क्या, एक्सरसाइज करूंगा। चेहरा देखा है तुमने शीशे में अपना है? अरे रवनक बढ़ गई है जब से लड़की आई है, चमक आ गई है चेहरे पे तेरे। ये रौनक तो बढ़ गई है, लेकिन बाकी सब कुछ घटता जा रहा है। शीशे में देखूं कितनी रौनक है। शीशे, किस तरह लग रहा हूं मैं? वैसे ही जैसे लुधियाना से आया था कि कुछ इम्प्रूवमेंट है? बड़े सोने लग रहे हो जी। चल चूठा, क्यों मजाक कर रहा है यार? कसम से। अच्छा अच्छा, अगर कसम खाता तो ये बता कि अचानक मेरी बॉडी पे जो रंग रोगन लश्कने लग गया है, इसकी वजह क्या है? इश्क हो गया है तुम्हें? ओए ओए, ऐसी बात मत कर। हनुमान जी ने सुन लिया तो गुर्ज मार के मेरी डिग्गी सजा देंगे, और मैं गुर्ज मार के तुझे चकनाचूर कर दूंगा। मैं चकनाचूर होने के लिए तैयार हूँ, किंतु गुर्ज तो मार, एक नहीं दस मार, लेकिन मैं सच कहने से नहीं डरूंगा। तुझे इश्क हो गया है, हो गया है, हो गया है। जरा आहिस्ता बोल, दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने सुन लिया तो क्या कहेंगे कि मुझे मुझे भी लगता है कि मुझे इश्क हो गया है, पर तू कसम खा किसी को बताएगा नहीं। खा नहीं बताऊंगी।